बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जारियो साहब मोहम्मद जमानी साहब ने यहाँ 2017 अप्रैल में ज्वाइन किया है जारियो खान साहब। तो जब ज्यों ही उसने ज्वाइन किया तो इसमें एक बड़ी खूबी यह है कि आउटस्पोकन आदमी है, कई उसकी जुबान रुकती नहीं है हर मामले में। हर मतलब उसी दिन हमें फ़र्क लग गया कि नहीं, यहाँ कोई रेवोल्यूशनरी आदमी आ गया है। तो सबसे पहले क्या है, ये टीचर फैमिली आदमी था। सब हर किसी टीचर का इसका फ़ोन नंबर उसके पास है, उसके साथ वो खुद रब्ता करता है। किसी भी अगर कोई भी अड़चन कहीं आए तो ये जरियो साहब बिल्कुल उसी समय खुद उसके साथ, मतलब एज ऑफिसर होने के बावजूद ये उसके साथ मतलब खुद रब्ता करता था ताकि कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। टीचर फ्रेंडली बहुत था, हर किसी के साथ इखलाक मैनर्स, मतलब इसके लिए मतलब हमारे पास अल्फाज ही नहीं है कि हम उसका ऐसे कहेंगे कि कितने टीचर फैमिली थे। दूसरी बात यह है कि जो हमारे कुछ स्कूल्स थे जहां एनरोलमेंट की प्रॉब्लम थी, कुछ स्कूल्स बहुत स्कूल्स थे कुछ एनरोलमेंट प्रॉब्लम थी, उसकी ज़ाती कोशिश की वजह से उन स्कूलों को एक्टपा लाया गया। कम से कम 15-20-25 तक उनका रोल उसमें भी जरियो साहब का बहुत ही बड़ा योगदान है। KGB हमारा डिस्फंक्शनल था, वहाँ बिल्डिंग बनी थी, सालों से पड़ी थी बिल्डिंग, उसमें उसके जो हाउस ओनर था उसके साथ कुछ पंगा चल रहा था पिछले जरियो साहिबान का भी। लेकिन जब उन्हीं ने यही संभाला, ये जरियो पोस्ट से सब संभाला, तो वो बिल्डिंग भी अपनी कारशूज की वजह से CO साहब से रब्ता करे, डायरेक्टर समारागर से, डायरेक्टर एकेडमिक्स से, सब से रब्ता करके उस KGB को वो फंक्शन बना दिया। और खुद मतलब मैं हैरान इस बात का, मतलब हैरान की है कि एक दफ़ा मैं जारियो ऑफिस गया तो वहाँ KGN सीजनल कैंपस के लिए टेंट आए थे, तो मैंने जारियो साहब को आंगन में पाया। वे खुद वो मॉनिटर कर रहे थे, खुद ये कर रहा था, इनकी गिनती खुद कर रहा था कितनी फीस से क्या है। मतलब मैंने 3 बार उसे कह दिया कि सर आप अंदर जाइए हम देखेंगे, लेकिन ये खुद MDM का जब आता था, चावल आता था या कुछ आता, तो जारियो साहब खुद आते थे, खुद मॉनिटर करते थे। इफ यू टॉक अबाउट एनरोलमेंट, यू ऑलरेडी सेड दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन एडमिटेड इन गवर्नमेंट स्कूल्स, सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव यू एडमिटेड सिंस 3-4 इयर्स? एनरोलमेंट ड्राइव तो चली बहुत, मतलब हमारा बहुत लोग था, 8,000 भी, 7,000 भी, 9,000 भी, लेकिन इस साल जो एनरोलमेंट ड्राइव चली इसमें थोड़ा डिपार्टमेंट ने ज़्यादा ही कोशिश की, तो हमारे जोन में इस जारियो साहब की बदौलत तकरीबन 1300 बच्चों को नए सिरे से, ज़्यादातर बच्चों को प्राइवेट सेक्टर से लाकर गवर्नमेंट सेक्टर में दर्ज कराए, इसमें जारियो साहब का बड़ा ही योगदान। मैंने 3 साल की सर्विस अंजाम की है, तो जब इसको छोटा हो गए तो ये मानना है कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हमने दिए हैं, मतलब अंजाम दिए हैं, लेकिन ऐसे भी देयर इज़ ऑलवेज सम काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द सिचुएशन। बहुत ज़्यादा और भी काम करना बाकी है, और जो हमारे बाद जो लोग आएंगे वो इन काम को जरूर करेंगे। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि एजुकेशन सेक्टर जो है, स्कूली तालीम जो है, जितने इसमें बच्चे हैं या टीचिंग कम्युनिटी जो है, उनके साथ बहुत अच्छा सुलूक किया जाए, उनका हर तरह से सुविधा दस्तयाब रहे। जहाँ तक मैं बसिफ जूनियर एजुकेशन अफसर खान साहब की बात करूँ, तो इसमें हमने बहुत ज़ोर शोर से काम चलाया। इफ यू टॉक अबाउट कम्युनिटी क्लासेस, लास्ट ईयर वी स्टार्टेड फॉर द लास्ट 2 ईयर दीज कम्युनिटी क्लासेस, वी हैड रोपड इन ऑलमोस्ट 5,000 पीपल, 5,000 चैप्स वेयर दीज कम्युनिटी क्लासेस। 45 ऐसी जगह हैं जहाँ हमने ये कम्युनिटी क्लासेस चलाई। आपको खुद भी इस बात का इल्म होगा कि न कि स्टेट लेवल पर या कौमी लेवल पर,
बाहर जो डीपीसी वाले और खान वालों ने खान साहब की कमिटी के खलासी के हवाले से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है और डिपार्टमेंट ने बाजारी पर एक फिल्म इस पर बनाई है। हमने 5,000 लोगों को इसमें रोपिंग किया था, करीब करीब 150-200 के करीब ऐसे हमारे उस्ताद थे जो ओपन एयर क्लासेस देते थे। तो मुझे ये मानना, मेरा ये मानना है कि जो बच्चों की जो लर्निंग गैप्स सामने रही है, लेकिन अगर मैं खान साहब की बात करूँ, ये जो लर्निंग गैप्स हैं बहुत कदरे, मैं कहूँगा कदरे, ये खान साहब के बच्चों में कम रही। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स।